यस, हम लोग हारे बट हम लोग दिल से अभी तक नहीं हारे हैं, हम लोग मैच हारे हैं, जो हमारे अंदर जुनून है अभी तक नहीं हारा है, और हम लोग नेक्स्ट टाइम अच्छे तैयारी के साथ आएंगे, हमारे जो भी कमियां हैं उसको मेंटेन करके आएंगे, और हम मेरे फ्रेंड से कहते हैं थैंक यू, उनको वे अपने टाइम निकाल के हमको सपोर्ट करने के लिए आए, और हम देखे कि हर मैच में आप लोग इम्प्रूव करते गए, एज ए डिफेंस में भी इम्प्रूव किया, बहुत सारे इम्प्रूवमेंट हम लोग देखे, टैकल्स देखे, कॉन्फिडेंस देखा टीम में, उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे एज ए कैप्टन ऑफ द टीम? यस, हम लोग मैच से पहले सोच रहे थे कि हमको गोल नहीं खाना है, हमको सिर्फ अच्छा डिफेंसिव करना है, डिफेंस लाइन को और मिडफील्ड लाइन को अच्छा बॉल डालना है, तो हम लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे, और हम लोग के माइंड में यही था कि हमको अच्छा से करना है डिफेंस स्ट्रॉन्ग बन के। सबने बोला कि ये हम लोग कर सकते हैं, हम लोग को फाइट करना है। असम, ये 7 दिन जो है शायद कभी वापस ना आएंगे, 3 वर्ल्ड कप मैच खेले आपने, आपके मन में बहुत ज्यादा चीजें अभी चल रही होंगी, क्या क्या चल रहा है मन में अभी? हम लोग तो अभी हारे हैं तो हम लोग को अच्छा नहीं लग रहा है, बट कोई नहीं, हम लोग अच्छे नेक्स्ट मैच, हम लोग का जो नेक्स्ट वर्ल्ड कप आएगा या कुछ भी मैच आएगा तो हम लोग अच्छी तैयारी के साथ आएंगे और अच्छे रिजल्ट लाने का कोशिश करेंगे। और नेक्स्ट टारगेट अभी तो अच्छा मतलब प्रैक्टिस करना है, और अगर मैच आया तो अच्छा अपना बेस्ट देना है। पूरे क्राउड को टीम ने थैंक्स बोला, उनके जोश में आपको कैसा इम्पैक्ट हुआ? जब वे हमको सपोर्ट कर रहे थे तो हमको अंदर से अलग सा जुनून हो रहा था कि अभी हमको करना है, और फैंस बहुत चिल्ला रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि हमको अभी गोल करना है, अभी गोल करना है, और गोल नहीं खाना है ये सोचते थे। कोच डेनरबी का इम्पैक्ट टीम पे क्या हुआ है, बताएंगे जरा? कोच हमको कोच बहुत अच्छे मिले, हम लोग को 8 महीने से बहुत अच्छे से ट्रेन किए, हमको ट्रेनिंग टेक्निकली और हमको टेक्निकली हमको बहुत इम्प्रूव किए कोच, इंडोरेंस पे, जैन मैम हमको स्ट्रेंथ सेशन पे, जिम पे, और हम लोग को बहुत वर्क किया और हम लोग बहुत इम्प्रूव किए, जिस वजह से हम लोग अभी ब्राजील, यूएसए और मोरक्को को फाइट कर सके। तो थैंक यू कोच, हम लोग को सपोर्ट करने का। कल कुछ बात हुआ? यस, रात में कुछ बात हुआ पिताजी के साथ? अभी तो बात नहीं हुआ है, कल भी कुछ बात नहीं? नहीं, टूर्नामेंट के ड्यूरेशन, टूर्नामेंट के बीच में बात किए थे। फिटनेस आपने बात की है, मेंटल स्ट्रेंथ पे कैसे 7 दिन में आपने काम किया है? मेंटली हम लोग पहले से मेंटली पे भी ध्यान दे रहे हैं कि हम लोग को एक गोल खा के हमको सिर्फ गिव अप नहीं करना है, हमको हम लोग कर सकते हैं, हम लोग फाइट कर सकते हैं, तो हम लोग पहले से ही रेडी थे कि कुछ भी हो जाए हम लोग को फाइट करना है और खेलना है। और आपके उम्र के जो सारे लड़के अभी है जो स्कूल जा रहे, जो आपके उम्र के है जो खेलना चाहते हैं, उसके उनके उनको क्या बोलेंगे, क्या मैसेज होगा आपसे? मैं उनके फैमिली से चाहती हूँ कि उनको छूट दे खेलने के लिए, और सिर्फ फुटबॉल में ना आए, अगर उनको पढ़ने में, अगर उनको कुछ भी हॉकी फुटबॉल या कुछ भी चीज़ में उनको जिस चीज़ में जुनून है उसको जाने दो, उनको सपोर्ट करे और खेले, और फुटबॉल को भी सपोर्ट करे और खेल ले, उनको उसके फैमिली आने दे उनको। ड्रेसिंग रूम में जाके आप पहले कोच को क्या बताएंगे? यस, ड्रेसिंग रूम में जाने के बाद कोच को पहले क्या बताएंगे? क्यों बताएंगे कि हमको मतलब थैंक यू कहेंगे, क्योंकि कोच उतने दूर से हम लोग के लिए आए हैं, और वो वे भी उनके फैमिली से उतने इनसे दूर है, तो हम लोग कोच को थैंक यू कहते हैं। असम, लास्ट क्वेश्चन, आपके लिए पर्सनली ये 7 दिन बहुत बड़े रहे, टीम इंडिया को आपने कैप्टन किया है 3 मैचेस में, अपना पर्सनल ग्रोथ आपने देखा है क्या? आपने आपके बारे में बात करेंगे थोड़ा? यस, मैं भी इम्प्रूव कर रही हूँ, और मैं कैप्टन हूँ तो मुझे हर चीज़ को मेंटेन करके रहना पड़ता है, तो एज अ कैप्टन टीम को पुश करना, और मैं बहुत मैं खुद से नहीं, मैं टीममेट से बहुत सीखती हूँ कि कैसे टीममेट के साथ रहना है, कैसा उनको मोटिवेट करना है, तो मैं यस टीम को देख के ही इम्प्रूव हो रही हूँ। कल सुबह उठ के आपके क्या थॉट्स होंगे पहले? कुछ नहीं, ऐसे हम लोग गेम को तो इतना जल्दी तो बोल नहीं पाएंगे, बट हम टीममेट के साथ अच्छे से रहने का कोशिश, अच्छे से रहेंगे और एक साथ टाइम स्पेंड करेंगे, क्योंकि हमारा लास्ट डे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।